संस्कृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर, साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी, रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी जीवन चक्र, लेखिका है रंजना शर्मा। दोस्तों हम सब जानते हैं सामान्यतः हर किसी के जीवन का एक कालचक्र होता है, या यूं कहिए कि तीन अवस्था से गुजरता है ये जीवन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था तो माता पिता के प्यार और आश्रय में बीत जाता है, तो युवावस्था कर्म करने में, और जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो पुरुष हो या स्त्री सामान्य रूप से अपने बच्चों पर आश्रित हो जाता है। पर हर किसी की एक जैसी कहानी नहीं होती, जीवन चक्र के अंदर ही हर पात्र की अलग अलग कहानी होती है। आज की कहानी विष्णु की है, जो पहाड़ों में बसे एक गांव में रहता है। उसने अपने पिता से सीखा मेहनत करना और हर हाल में संतुष्ट रहना, ऐसा ही करता है विष्णु। अपनी जमीन नहीं है तो क्या हुआ, अपने पिता की तरह दूसरे के खेतों में काम करके वो अपने परिवार का गुजारा चला लेता है, संतुष्ट रहता है और खुश भी रहता है। माता पिता तो गुजर चुके हैं, बस विष्णु और उसकी पत्नी तारा है। तारा भी मेहनत करने से नहीं घबराती, दोनों में बड़ा प्यार है और कुछ समय बाद वो दो से तीन हो जाते हैं, जब उनके घर पैदा होता है रवि। विष्णु और तारा मेहनत करके बच्चे को अच्छा भोजन दिलाने में लग जाते हैं। जब वो दो थे तो दाल रोटी में भी चल जाता था, पर बेटे को अब वो दूध दही घी भी खिलाना चाहते हैं। उस वक्त का और गरीबी का तकाजा यही था कि पेट भरना है ताकि काम कर सके, और रहने को एक छत होनी चाहिए बस। विष्णु तारा अपने बच्चे को भी यही तो सिखा रहे थे, नाम था रवि। रवि को अपनी मां का प्यार ज्यादा वक्त तक नहीं मिला। तारा दूसरी बार प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने नवजात शिशु को भी नहीं बचा पाई, रह गए सिर्फ विष्णु और रवि। धीरे धीरे समय बीत रहा था, खेतों में काम तो हो जाता था पर घर के काम में दिक्कत होती थी। विष्णु ने रवि की शादी माया से कर दी। सादे तरीके से शादी संपन्न करने के लिए भी विष्णु को गांव के साहूकार का कर्जदार बनना पड़ा। विष्णु ने बेटे से कहा, चिंता मत करो, अभी मेरे शरीर में ताकत है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और कर्ज चुका देंगे। लेकिन जब तक कर्ज उतरता, विष्णु का शरीर ढल चुका था, वो जीवन की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका था, यानी वृद्धावस्था। विष्णु घर पर ही रहने लगा, घर के कामकाज में ही हाथ बटाने लगा। रवि और माया मिलकर परिवार चला रहे थे, उनका भी एक बेटा हुआ मोहन। मोहन अपने दादा के पास ही ज्यादातर रहता था, दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करते थे। विष्णु मोहन को अपने अनुभव की कहानी सुनाता, संतुष्ट रहने की शिक्षा देता, पर विष्णु का बेटा रवि और उसकी पत्नी माया अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। घर की माली हालत बस से बदतर होती जा रही थी, दूसरे के खेतों में नहीं अपने खेत में काम करना था, जीवन में आगे बढ़ना था, पर कैसे। तब रवि ने भी गांव के साहूकार से लोन लिया और जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया, लेकिन गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही थी। शायद यही वजह थी कि रवि और माया के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगा, विशेषकर पिता के प्रति उनकी बातें उपदेश दोनों को चुभने लगे। माया ताने मारने लगी, पति को सुनाने लगी कि अब तो चार पेट पालना मुश्किल है। उनका बेटा मोहन देख रहा था बदलाव, पर इतना बड़ा नहीं हुआ था कि कुछ बोले, पर जो सबसे बड़े थे उन्हें तो समझ में आ रहा था कि अब वो परिवार के किसी काम के न रहे और बोझ बन गए हैं उनके लिए। विष्णु का मन बोझिल हो जाता। एक दिन बेटे रवि को वो कह भी बैठा, रवि तुम तो जानते हो ना, मैं पहले कितना कर्मठ था, अब मैं शरीर से लाचार हो गया हूं, तो तुम लोगों के लिए बोझ बन गया हूं। नहीं बाबा, खर्चा बढ़ गया है और आमदनी हो नहीं रही,
इसलिए माया झल्ला उठती है और मैं भी बौखला जाता हूं कभी कभी। घर में लगभग हर रोज होने वाले इस नाटक को मोहन चुपचाप देखता रहता। दादा के प्रति उसके माँ बाप का बदला व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। उसके मासूम हृदय में एक सवाल उठता है कि जब मैं दादा से प्यार कर सकता हूं तो मेरे माँ बाप क्यों नहीं कर सकते। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। विष्णु बीमार रहने लगा, तन से भी और मन से भी। गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही थी। रवि और माया हतोत्साहित हो रहे थे। ऐसे में ही एक रात की बात है, रवि और माया लेटे हुए थे, धीमे स्वर में कुछ बात कर रहे थे। बगल में ही लेटा हुआ मोहन सोया नहीं था और माता पिता को लगा वो सो चुका है। मोहन उनकी बातें सुनता रहा, कुछ समझ में आया तो कुछ नहीं भी। दूसरे दिन रवि ने बहुत सवेरे अपने पिता विष्णु को जगाया, ये कहते हुए कि बाबा उठो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, बहुत दिनों से घर में ही पड़े हो। विष्णु कुछ कहता उससे पहले ही रवि ने पिता को पीठ पर लादने वाली टोकरी में बिठा दिया और टोकरी को पीठ पर लादकर रवि निकल पड़ा। मोहन भी जगा हुआ था। अपनी मां से आंख बचाकर मोहन भी चुपचाप पिता के पीछे चल पड़ा। बाहर पूरी तरह से उजाला नहीं था तो रवि को पता ही नहीं चला कि पीछे पीछे मोहन भी आ रहा है। पहाड़ के एक छोर पर पहुंचकर रवि ने टोकरी को अपनी पीठ से उतारा और उसे पिता सहित हजारों फुट गहरी खाई में धकेलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, बापू टोकरी मत फेंकना, टोकरी की मुझे जरूरत पड़ेगी। रवि ने देखा पीछे मोहन खड़ा था। तू यहां क्या कर रहा है और फिर तुझे टोकरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? रवि हैरान था। मोहन ने कहा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें भी पहाड़ से फेंकने के काम आएगी ना टोकरी। रवि की आंखें खुल गईं, वो बहुत लज्जित हुआ। उसने मोहन को कलेजे से लगा लिया और सजल आंखों के साथ अपने पिता के पांव पर सर रख दिया। विष्णु ने बेटे को चुपचाप माफ कर दिया। रवि और माया ने सामान्य जीवन चक्र का सम्मान करने की कसम खाई और मोहन ने कहा, चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं भी हाथ बटाऊंगा। दोस्तों, अब विष्णु नहीं रहा, रवि और माया भी बूढ़े हो चुके हैं। मोहन की शादी हो चुकी है, वो एक कर्मठ युवा किसान है, तरक्की करने की चाहत है तो पत्नी के साथ मिलकर खेत में सब्जी उगाता है और मुर्गी पालन भी शुरू कर दिया है, जिसकी देखभाल रवि और माया करते हैं। हाँ, वो टोकरी जो रवि से मांगी थी मोहन ने, उसे तो कब का फेंक चुका है मोहन, क्योंकि वो जीवन चक्र को छेड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। आज की कहानी थी जीवन चक्र। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। We'll be right back.